नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिश गुप्ता, आप देख रहे हैं एंटिक टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएस बॉल के बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह एसएस बॉल क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट है मोटर में हमें इसको यूज़ करने से, और दोस्तों इसको यूज़ करने से क्या है, मोटर की लाइफ भी बुशिंग की काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है किसी भी बुशिंग में कट लगाने से। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जान लेना होता है कि बुशिंग में हम एसएस बॉल यानी कि ये छर्रे क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इसमें से पास किया जाता है। तो बुशिंग को बिठाते समय यदि हम बुशिंग समझ लीजिए किसी हाउसिंग में डालते हैं, तो वहाँ पे बुशिंग का हाउसिंग जो थोड़ा टाइट रहता है 100 माइक्रोन, ठीक है, तो उसमें बुशिंग को यदि डालते हैं तो बुशिंग जो है अंदर की तरफ थोड़ा सिकुड़ता है, तो इसको एक फाइनल माप देने के लिए यहाँ पे हम एसएस बॉल का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस एसएस बॉल को यूज़ करने के लिए क्या होता है, एसएस बॉल जो होता है वो पूरा एक फाइनल माप होता है, हार्ड किया होता है, क्रोम किया होता है, और वह जो मतलब एक फाइनल माप ही देगा बुशिंग को। यदि हम किसी भी बुशिंग में कट लगाते हैं लेथ मशीन पे, तो काफ़ी सारा टाइम जाता है उसमें, पहले हाउसिंग को थ्रू करना पड़ता है सही से, और पूरा दिन में बहुत कम ही बुशिंग यहाँ पे रिपेयर हो पाते हैं। लेकिन इस एसएस बॉल को यूज़ करने से आप एक फाइनल माप दे सकते हैं किसी भी मोटर में, और दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रकार से यह बुशिंग काम करता है, बहुत ही अच्छी प्रकार से यह एसएस बॉल काम करता है। और मैं दोस्तों सभी भाइयों से यह रिकमेंड या मतलब यही आशा करता हूँ कि आप है ना किसी भी बुशिंग को कट लगाने से बेहतर एसएस बॉल को यूज़ करिए, ताकि मोटर की लाइफ भी बुशिंग की काफ़ी अच्छी बढ़ सके और आपका टाइम भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और आप यदि एक दिन में 2-4 बुशिंग को फाइनल करते हैं, माफ करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बुशिंग को आप फाइनल कर सकते हैं यहाँ पर, और बुशिंग की लाइफ भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, मोटर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि लेथ मशीन पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए वो बताता हूँ कि लेथ मशीन पे यदि बुशिंग पे हम कट लगाते हैं तो एक फाइनल माप वहाँ पे नहीं आता, किसी में 10-20 माइक्रोन ढीला रह जाता है, किसी में टाइट रह जाता है। यदि दोस्तों टाइट रह जाएगा तो वहाँ पे क्या मोटर फ्री नहीं होगी, और दोस्तों यदि थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो मोटर फ्री तो होगी, लेकिन वहाँ पे क्या है बुशिंग 2-4-6 महीने बाद कट के फिर से वापस आ जाएगा। तो इस एसएस बॉल को यूज़ करने पे एक फ़ाइनल माप ही आ जाता है, यानी कि उस एसएस बॉल को डालने से एक फ़ाइनल माप ही आ जाएगा, यानी कि समझ लो ना तो वहाँ पे बुशिंग ढीला होगा ना तो टाइट होगा, एक मतलब कॉमन माप आएगा, कॉमन माप साइज का, जिस साइज़ का एसएस बॉल रहता है। तो मैं यही आपसे रिकमेंड करता हूँ कि एसएस बॉल का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा लाइफ देगा बुशिंग में। हम दोस्तों बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम भी बचता है और हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सारी काफ़ी डिटेल में बताने वाले हैं कि किसी भी मोटर में यदि हम बुशिंग बिठाते हैं तो हथौड़ा से यानी कि कैसे भी आप बिठा सकते हैं, और थोड़ा सा भी इस एसएस बॉल को पास कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पंप में किसी भी मोटर में। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे आगे आपको दिखाने वाले हैं कैसे यदि आपके पास प्रेस लेथ मशीन नहीं है तो कैसे आप बुशिंग का काम कर सकते हैं एसएस बॉल से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपके पंप में किसी में भी बुशिंग जो है ख़राब हो जाता है तो हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिना लेथ मशीन पे लगाए, केवल दोस्तों इस छर्रे से। तो चलिए सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक हाउसिंग है जिसका जो है बुशिंग ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं बुशिंग कैसे चेक करना है। तो वही उसी का रोटर आपको कुछ इस प्रकार से ले लेना है और ऐसा खड़ा करके, और फिर यहाँ पे इस जहाँ पे बुशिंग घूमता है यहाँ पे लगाना है आपको। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है हिल रहा है, इसका वजह से यहाँ पे प्ले बहुत ज़्यादा चाल ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से आप समझ लीजिए कि बुशिंग जो है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे यदि शाफ्ट सही है, शाफ्ट इसका सही है, तो बुशिंग को किस प्रकार से हम इस छर्रे से बिना लेथ मशीन पे लगाए इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या है बुशिंग को निकाल देना। बुशिंग निकालने के लिए ऐसे कुछ लाख हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप हथौड़े से ऐसा लगा के इस बुशिंग को यहाँ पर निकाल दीजिए। देख सकते हैं ख़राब जो है बुशिंग निकल चुका है हमारा, और फिर क्या करना है जिस साइज़ का ये बुशिंग था उस साइज़ को आपको बुशिंग जो है यहाँ पे बिठा देना है। इसी लाग पे आप हथौड़ा लगा के इसको बिठा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रेस मशीन यदि नहीं है तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं, आप ऐसे बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे बुशिंग बिठाया तो आप ये मत समझिए कि चलो बुशिंग बिठा दिया और यहाँ पर अब इस रोटर पर लगा दें तो यह चलने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बुशिंग जो है रोटर के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है यह समझ लीजिए हाउसिंग जो है बुशिंग
जब हम इस हाउसिंग में बिठाते हैं तो बुशिंग अंदर की तरफ सिकुड़ता है थोड़ा सा, और एक फाइनल माइप साइज देने के लिए इस छर्रे का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी बुशिंग हमने डायरेक्ट बिठा दिया, फिर इस रोटर पे यदि हम लगाएंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अंदर ही नहीं घुसेगा। इसके लिए हमें इस छर्रे का यहाँ पे यूज़ करना होता है, जिस साइज का या बुशिंग है उसी साइज़ का छर्रा ले लीजिए और यहाँ पे रख के कुछ भी इस प्रकार का शार्प लेके आपको हथौड़े से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको केवल इस छर्रे को यहाँ पे पास कर देना है बुशिंग पे, और यह बुशिंग जो है हमें अब तो ना तो लेथ मशीन पे लगा ले जाना है ना तो कहीं पे ले जाना है। अब दोस्तों इस रोटर को ले लीजिए और फिर आसानी से देख सकते हैं या और बिल्कुल इसमें प्ले भी नहीं है, देख सकते हैं हाउसिंग आसानी से घूमने लगेगा और यह बुशिंग जो है हमारा मोटर पर चलने के लिए रेडी हो गया। तो उसमें कुछ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, केवल इस छर्रे को यहाँ पे बुशिंग पे पास कर देना है और आपका बुशिंग जो है जो ख़राब था उसको निकाल के नया पे लगा देना, तो हो गया। बस इतना ही प्रोसेस इसमें होता है, ना तो आपको इसमें कभी पे लेथ मशीन पे लगाने की ज़रूरत है, ना तो इसमें कट लगाने की ज़रूरत है, केवल इस छर्रे को पास कर दीजिए और फिर आपको इस हाउसिंग को मोटर पर फिट कर देना। और दोस्तों यह इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलेगी, यदि आप लेथ मशीन पे इस हाउसिंग को ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आउट रहता है जिससे 2-3 महीना में बुशिंग ख़राब हो जाती है, लेकिन यदि यह प्रोसेस आप करते हैं, छर्रे का प्रोसेस आप करते हैं, तो इसकी लाइफ टाइम जो है बुशिंग की लाइफ जो है काफ़ी अच्छी बेटर चलेगी। उसके बाद यदि V4 में यही प्रॉब्लम है तो V4 का भी आप ऐसा सेम कर सकते हो। सबसे पहले यह हाउसिंग लेना है आपको, फिर कुछ इस प्रकार से लाग ले कर इसका भी बुशिंग यहाँ पे निकाल देना है। देख सकते हैं बुशिंग जो है हमने कुछ इस प्रकार से निकाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ख़राब बुशिंग निकाल देना है, अब फिर यहाँ पे नया बुशिंग डायरेक्ट इस पे लगा देना है इस लाग से। कुछ इस प्रकार से उल्टा करके इस बुशिंग को भी पीछे से लगा देना है यहाँ पर। बुशिंग लगा दिया, अब फिर यह मत सोचिए कि इसमें भी वही छर्रा जो है पास करना पड़ता है, या रोटर है यहाँ पे हाउसिंग बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा जब तक इस छर्रे को आप पास नहीं कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ रखना है इसके ऊपर या हाउसिंग रखना है और फिर यहाँ पे छर्रा डाल देना। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना होता है कि हर साइज़ का छर्रा होता है, हर साइज़ का बुशिंग, समझ लीजिए इसमें 30 mm का बुशिंग है तो 30 mm का छर्रा डाल दिया, इसमें 26.5 mm का बुशिंग है तो 26.5 का ही छर्रा डालना होता है, तभी यह चलेगा, नहीं तो हाउसिंग फट जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे हथौड़ी से आप पास कर सकते हैं। तो बुशिंग पे हमने यहाँ छर्रा पास कर दिया, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा इस हाउसिंग को क्या मोटर पे लगा के मोटर फिट कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ आसानी से फ्री रहेगा और इसमें बिल्कुल भी प्ले भी नहीं रहती। बहुत से दोस्तों का दोस्तों फ़ोन आया कि यहाँ पे प्ले हो जाते ऐसा प्रॉब्लम, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी बिल्कुल भी यहाँ पे हिला के दिखाता हूँ, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी आसानी से इसके लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और हर साइज़ में यदि ये साइज़ का बुशिंग है तो आपको इसमें भी वैसा सेम दूसरा एक लाग ले के पहले सबसे पहले बुशिंग को निकाल देना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक नया बुशिंग लगा देना है कुछ इस प्रकार से बिठा देना, और इसमें भी यहाँ पे 21 mm का बुशिंग है तो 21 mm का ही छर्रा पास कर देना, इस छर्रे को पास करके सीधा जाने देना। उसके बाद यदि सक्शन में यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो सक्शन का पहले बुश निकाल दीजिए पीछे की साइड से, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुशिंग निकाल दिया है और इसमें जो आपको बुशिंग आता है वो बुशिंग लगा देना है और इस लाग से बिठा देना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुशिंग बिठाने के बाद यह जो कप्पल होता है देख सकते हैं इसमें जाएगा ही नहीं, आप चाहे जितना ट्राई कर लीजिए जाएगा नहीं जब तक इसमें इस छर्रे को हम पास ना कर दें। तो इस छर्रे को भी ऐसे पास कर देना है और फिर इस कप्पल को देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से घुस जाता है और
बहुत ही मतलब इस बूशिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो एक सॉलिड साइज का यह छर्रा आता है सॉलिड साइज ही माप करता है, इस बूशिंग को एक सॉलिड माप का ही बनाता है। यदि हम इसको लेथ मशीन पे ले जाएंगे तो एक साइड थोड़ा कट ज़्यादा आ सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे 2-3 महीना 4 महीना में बूशिंग ख़राब हो सकता है। लेकिन आप इस छर्रे से यदि यह प्रोसेस पूरी करते हैं तो बूशिंग की जितनी लाइफ होती है उससे भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेटर आपको है ना बूशिंग चल के दिखाएगा। तो यदि इस प्रोसेस से आप करते हैं तो काफ़ी कम टाइम में आपको यह सब बूशिंग जो है हर किसी में लगा सकते हैं और टाइम की भी काफ़ी बचत होती है, बूशिंग भी अच्छी चलती है। तो यदि यह सब छर्रा परचेस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया होगा, वहाँ से आप कॉल करके मुझे यह छर्रा जो है परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी यहाँ हम हर आपके एड्रेस पे हर जगह अवेलेबल करा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी में भी यह सब आइटम जो है अवेलेबल है मेरे पास। तो यदि V6 में यह प्रॉब्लम आपको होनी पड़ जाती है तो सीधा क्या करिए, बूश इस पे लगा के फिर डायरेक्ट इस छर्रे को पास करके आपको मोटर फिट कर देना, और आपको कुछ देखना ही है क्या प्रॉब्लम है, कितना ढीला कितना टाइट, कुछ भी देखना नहीं है। और यदि ओपन वेल में V9 में या प्रॉब्लम आती है तो बूश निकाल के सीधा इस पे भी बूश लगा के इस छर्रे को पार कर सकते हैं। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों मेरे पास देख सकते हैं बूशिंग में जो पार करने वाले छर्रे होते हैं SS बोल दो प्रकार के हैं, एक तो ऐसा सादा सिंपल वाला बोल है और एक ये हैंडल वाला बोल होता है। तो इस सादे सिंपल वाले में बात कर लेते हैं तो यह दोस्तों हमारे पास 16 mm से पूरा 38 mm तक का पूरा सेट जो है मिल जाता है, दो सेट, यानी कि इसमें 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5 ऐसे लेकर 38 तक छर्रे पूरे सेट में मिल जाएंगे, जो कि टोटल 45 छर्रे का सेट आने वाला है। और यदि दोस्तों आप 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे में मंगवाना चाहते हैं तो 23 छर्रे का पूरा सेट आएगा, और उसके साथ यहाँ हम दोस्तों एक लाख जो है आपको फ्री यानी कि साफ्ट दे रहे हैं, जो कि हम इस छर्रे के ऊपर ये साफ्ट रख के हम थोड़े से किसी भी बूशिंग के ऊपर ये सारे SS बाल जो है छर्रे पार कर सकते हैं। अब देख सकते हैं सारे बड़े छोटे सारे छर्रे इस पर मौजूद है। उसके बाद इसी प्रकार के छर्रे जो है आप हमसे परचेस कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। तो यह बहुत ही काम जो है आसान कर देता है, लेथ मशीन का कुछ झंझट नहीं होता, केवल बूशिंग लगाना है उसी साइज का और फिर उसी साइज का छर्रा आपको ठोक देना है, और दोस्तों इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद है वीडियो का पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब मैं उसको अपलोड करूँ सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं और टेक्नोलॉजी भरे वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।